viewers, today I am going to tell you how to use a IP ping test tool. It is okay to ping a Google DNS. Good ping response time and to ping an IP is illegal. ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं. ऐसे तो पिंग के बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे. सो लेट स्टार्ट. हाउ टू यूज द आईपी पिंग टेस्ट टूल. द प्रोसेस इज सिंपल. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. आपको क्या स्टेप करना है? ओपन द आईपी पिंग टेस्ट टूल. Enter the domain or IPv or IPv6 address and click on ping now button. It's ping the provided domain or IP address and give you the response. अब कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम लोग. यहाँ पे गए हम ping from ये IP ping tool test में गए. पिंग टेस्ट टूल है ये, आप इसको देख लीजिएगा. यहाँ पर हमने गूगल लिखा. लोड टाइम 1 सेकेंड लगा. टेस्टेड 27th October लगा. यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल आ गया. आईपी एड्रेस क्या क्या है, पैकेट लॉस क्या है, मिनट आरटीटी क्या है, राउंड टाइम टर्न टाइम दे रहा है, रिस्पांस टाइम दे रहा है और एवरेज रिस्पांस टाइम दे रहा है. Move beyond manual ping check. Automate your day-to-day sysadmin task by signing up. अगर आप signing up कर लेते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें किसी ने देखी है जिसको ping किया गया है, तो यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है. अगर आप sign up कर लेते हैं तो proper वैसे आप इस पर यहाँ पर काम कर सकते हैं. देखिए कितनी facility दी हुई है. फाइंड आईपी एड्रेस, किसी का आईपी एड्रेस अगर करना है, डीएनएस एनालिसिस है, डोमेन नेम है, चेक पोर्ट अवेलेबिलिटी है, मॉनिटर एसएसएल सर्टिफिकेट है, तो बहुत सी चीज़ें इस साइट पे जाकर आप सीख सकते हैं. अभी लास्ट 10 में जिन्होंने पिंग किया है वो यहाँ पर दिखा रहा है. अब जैसे हम यहाँ पर गूगल की जगह पर कोई और साइट देते हैं, अपनी यूट्यूब की देते हैं, देखिए क्या देता है. नीचे जाएंगे, फिर से आएंगे, पिंग टेस्ट टूल पे जाएंगे. जब आईपी पिंग टेस्ट टूल आप सर्च करिएगा तो ये आ जाएगा. यहाँ पे गूगल की जगह पर हमने दिया यूट्यूब और पिंग दिया. अब देखिए ये दे रहा है, आपकी सारी डिटेल दे देगा. टोरंटो फ्रेमोंट CA US सब दे रहा है. आईपी एड्रेस दे रहा है, उसका रिस्पांस टाइम दे रहा है और कौन कौन से साइट पे लोग गए हुए हैं इधर लेटेस्ट में वो सारा दे रहा है. देखिए सारा बदल गया. केवल जो हो और गूगल आ रहा था, देखिए गूगल आ रहा है. ट्रेड किसी ने किया है, ये सारे लोग पिंग कर रहे हैं तो उसका डिटेल वो दे रहा है. हमने तो यहाँ पर YouTube किया तो उसका डिटेल दे रहा है. तो इस तरह से हम पिंग एड्रेस को यूज कर सकते हैं. द रिजल्ट विल बी हेल्प यू इन वैरायटी ऑफ वे. इफ यू फाइंड नो डेटा लॉस इट मींस दैट योर कनेक्शन इज सिक्योर एंड आईपी इज ऑनलाइन. तो हम लोगों का तुरंत मिल गया, सिक्योर था हम लोगों का और तुरंत मिल गया हम लोगों को. ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने जैसे ही डाला उसने तुरंत आईपी एड्रेस मिल गया, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ. पैकेट लॉस देखिए 0 है और ये सारा दिखा रहा है, इसका रिस्पांस टाइम दिखा रहा है. तो इसमें आपको फायदा है. इफ देयर इज सम डेटा लॉस इट मींस दैट द डिवाइस इज सफरिंग फ्रॉम सम अनरिलायबल कनेक्शन. इफ अ रिक्वेस्ट इज सिंपल आउट इट मींस दैट द पिंग आईपी एड्रेस इज आइदर रॉन्ग और डज नॉट एक्सिस्ट. अगर आप डोमेन नेम ही गलत दे दीजिएगा तो वो कोई रिस्पांस नहीं देगा और हो सकता है कोई साइट आपको पिंग करने से प्रिवेंट करे और मे बी आईपी इज ऑफलाइन और डिवाइस सेटिंग प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गिविंग अ रिस्पांस ऑन पिंग रिक्वेस्ट. साइट हो सकता है आपको पिंग करने से रोके या वो साइट उस समय ऑफलाइन.
तब आप पिन नहीं कर पाइएगा, और डेटा लॉस होगा तब भी नहीं कर पाइएगा, अगर डेटा लॉस नहीं होगा तो आप पिन कर पाइएगा। What is a good ping response time? You can expect to be a fast under 10 milliseconds, other to experience some lag. Whatever distance between two point, a response time over 100 milliseconds could be indicate that you are now in problem. अगर बहुत अधिक milliseconds में आ रही है information, तो भी आप problem में पड़ सकते हैं। और 10 milliseconds के अंदर है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, मिली सेकेंड्स वन वन आ रहा है ना, तो इसमें रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। डीएनएस पिंग वेबसाइट भी है यहाँ पे, देखिए फाइंड आईपी है, फाइंड लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन अगर हम करते हैं तो यूट्यूब की लोकेशन दिखा देगा, देखिए कनाडा और टोरेंटो ये सब दिखा रहा है। फाइंड आईपी करा तो आईपी दिखा देगा, ये दे दिया इसमें। और अगर DNS एनालिसिस देते हैं तो वो भी दिखा दे रहा है इंफॉर्मेशन, ये सारी देखिए डिटेल में दिखा दे रहा है। रिवर्स लुकअप नेम कर रहा है, रिवर्स लुकअप नेम पर भी हम एक दिन आपको बता देंगे। और पिंग वेबसाइट करेंगे तो YouTube की वेबसाइट पिंग तो हम लोग ने करा ही था, ये उसका देखिए आईपी एड्रेस दे रहा है और ये रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है। तो इस तरह से आप ये देखिए, ये जगह दे रहा है, टोरंटो दे रहा, कहाँ कहाँ से क्या एड्रेस है दे रहा है, और कितने टाइम में वो पैकेट का कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको वो दिखाएगा। तो पिंग एन आईपी इज इलीगल, योर आईपी एड्रेस इज प्रिटी मच पब्लिक इंफॉर्मेशन लाइक योर स्ट्रीट एड्रेस और हाउस एड्रेस। Ping your IP address is not an illegal activity, but what some do with your IP can become unlawful. अगर आप किसी के ping करते हैं IP तो वो illegal नहीं है, लेकिन आप उसका use गलत करते हैं तब वो problem कर सकता है। It is okay to ping a Google DNS. Google does not bother if you ping them or their DNS server. Pinging Google or any other globally web-based server on the internet is fine. These servers get much traffic that will not notice the fewer pings. Google के पास इतने लोग ping करते हैं कि उसको आप अगर ping करते हैं तो वो notice भी नहीं करेगा और उससे आपको कोई problem नहीं होगी अगर उसके DNS server को भी आप ping करते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली वेब बेस्ड सर्वर है इंटरनेट पे और लोग उससे काम करते ही करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, गो टू कम्युनिटी, आंसर ऑन फोन, कमेंट ऑन वीडियो, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड प्लीज वॉच द वीडियो टू गिव मी अ सपोर्ट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।